और मेरे भाई लोग, क्या हालचाल है सबके। तो हम फिर से लौट चुके एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नए दिन में। तो आज का जो व्लॉग है, ये हम लोग मतलब फिर से एक फ़ोन परचेज करने जा रहे हैं। उसके लिए तो नया नया मार्केट में कौन सा फ़ोन आया या 15 आया, तो 15 लॉन्च हो गए, 10-12 दिन हो गए। तो अब जाते हैं जाके 15 ले लेते, बट 10-12 दिन बाद क्यों ले रहे हैं उसका अगर कारण देना तो भाई कोई स्टोर में भाई अवेलेबल ही नहीं था। और अगर प्री बुक करना रहता तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ता, और अगर कोई लोकल शॉप से ले तो उस पर तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो इतने दिनों बाद मतलब कॉन्टैक्ट करके अब जाके एक जगह पे एग्जैक्ट MRP पे मिल रहा है, तो जा रहे लाने को। बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं तुमको सीधा शॉप पे जाके। और फ़ोन ना भाई, इस बार क्या बाप आया यार, एकदम खतरी है। मतलब मैंने 14 प्लस लिया ना, मैं 14 प्लस से शूट करता हूँ, बट मेरे को ये लेके ना भाई ऐसा लगने लगा है ना अब कि यार लॉस हो गया मेरा, मेरे को एक जनरेशन के लिए रुकना चाहिए था और मेरे 12 से काम चलाना चाहिए था। तो अब जाने दो, अब जो हो गया सो हो गया। अब सीधा 15 प्लस लेंगे इसके साथ भाई। मतलब जो फ़ोन है ना, इसमें इस बार फर्स्ट टाइम डायनेमिक आइलैंड आया है ऊपर से। बहुत सी चीज़ें यार मैं तुमको ना ब्लॉग में, मतलब जब फ़ोन का अनबॉक्सिंग करेंगे ना, रिव्यू देंगे ना, तब बता दूंगा एक एक चीज़ डिटेल में, ठीक है। मैंने मतलब लॉन्च इवेंट देखा था, मुझे सब याद है कि कहाँ से क्या क्या है, बट इतना ही है कि 14 वालों का लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। वेदर देखो यार कितना ही प्यारा हो रहा है। तो जाते अपनी ब्लैक पैंथर को लेके। चलो भाई अपने पंप से डीजल भर के चलते हैं फोन लेने। सो हम पहुंच चुके हैं रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां से हम फोन लेंगे। हमने 15 प्रो मैक्स ले लिया है रोहित भाई के दुकान से। इनका जो शॉप है ये रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स पनवेल में अवेलेबल है। किसी को भी अगर फोन लेना हो पनवेल के कहीं से भी लेना हो अपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इनके पास आ सकते हो। हमारा नाम ले लेना है इनको कि हमारे तरफ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा तुमको। बाकी 15 प्रो मैक्स अभी तक तो कहीं अवेलेबल नहीं है, पर इन्होंने हमको करा दिया है, तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। गाइस फोन तो ले चुके हैं, अब सीधा तुम्हें घर जाके मिलते हैं। मतलब यार अलग ही स्ट्रेस था यार, क्या बताओ तुम्हें। बाकी यार अभी रात हो रहा है, तुमको तो रोड के ये नहीं दिखा सकते फुटेज, तो जो भी है ये व्लॉग छोटा रहेगा, पर घर पे जाके भी मिलते हैं तुमको। हमारा 15 प्रो मैक्स लेके घर को आ चुके, अब इसका अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए बने रहिए, अभी हम अनबॉक्स करेंगे इसको। है।
सो गाइस ये हमारा फोन है, इसका लेबल तो एक बार ओपन कर चुके हैं, इसीलिए देखो डायरेक्ट नमस्ते से शुरू हुआ है। तो ये हमारा फोन है, इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसको ओपन करो। फोन को तो फिलहाल साइड में रख देते हैं, बाकी देख लेते अपन डब्बे में और क्या क्या है। सो ये एप्पल का स्टिकर जिसका पैसा देते हैं हम लोग, और सिम ट्रे का इजेक्टर टूल है। बाकी ये जो सिम ट्रे का टूल है ना, ये US मॉडल में नहीं मिलता, क्योंकि US मॉडल में फिजिकल सिम तो अपन ने बंद कर दिया है, बाकी ग्लोबली कब बंद करेगा पता नहीं। और ये आईफोन का इस बार फर्स्ट टाइम एवर टाइप सी टू सी केबल, सो हार्ड लो इसको। ये जो केबल है ना, मतलब अभी तक जो आते थे ना वो सिंपल आते थे, मतलब जिसके मतलब सब लोग जो कंप्लेन करते थे ना कि एप्पल का केबल ख़राब है जल्दी ये हो जाता है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। अभी इस पिछले साल के मैकबुक की सीरीज़ में आया था ये ब्रेडेड केबल, तो इस बार इसको भी दिया है ब्रेडेड केबल, ये टिकेगा। मतलब जितने अभी तक के एप्पल के केबल थे ना, जो 4 महीने 6 महीने में रफ यूज़ में सब इधर से ये हो जाते थे उधर से ये हो जाते थे कट जाते थे, अब नहीं होगा वो, क्योंकि अब ब्रेडेड आ चुका है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है केबल की। बाकी एप्पल है, चार्जर तो देगा नहीं। तो अब हम फोन पे आ जाए, ये हमारा आईफोन है। बाकी पासवर्ड देख लिया कोई, आगे मेरा फोन मत चुरा लेना। तो ये हमारा आईफोन है। ज़्यादा कुछ अगर मैं हम फिजिकली बात करें तो साइड से हमारा इस बार टाइटेनियम बॉडी आ चुका है, देन बैक साइड नीचे के साइड में एक स्पीकर ग्रिल है, एक माइक का होगा, एंड जो कभी नहीं देखा होगा किसी ने टाइप सी। एंड दिस साइड में मतलब पावर लॉक का अनलॉक का है, और ऊपर से खाली है। बाकी बैक साइड से ये हमारा लाइडर सेंसर होता है, और एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और दो एक टेलीफोटो होगा, और एक 5x ऑप्टिकल जूम आया है इस बार कैमरे में, जहाँ तक कि सुनने में इवेंट में देखा था, वो भी कैमरा टेस्ट करते हुए पता चल जाएगा। सो ये है कैमरा टेस्टिंग का वीडियो, ये 0.5, ये 1x, ये 2x, ये 5x ऑप्टिकल जूम, और ये सीधा 20x में, जो कि ज़्यादा नहीं कम ही फटा है। और ये हमारी सेल्फीज है दो, और जो मैं 5x की बात कर रहा था ना, वो ये है, देखो कितना क्लियरिटी है, ये 2x, ये 1x, और ये 0.5x। बाकी ये वाला भी 5x वाला देख लो, ये 0.5x में, ये 1x में, ये 2x में, और ये 5x का ऑप्टिकल जूम, और ये मैक्रो है। ये जो 5x ऑप्टिकल जूम है ना, इसमें देखो एकदम क्लियर पता चल रहा है, जिसके ऊपर पूरा आईफोन लॉन्च हुआ है, ये जो क्लियरिटी है ना बहुत है। बाकी ये जो कलर है, ये कलर हमने सिल्वर लिया है। बाकी सिल्वर का अगर बात करें ना, तो सिर्फ साइड से लग रहा है कि ये सिल्वर है, बाकी पीछे से तो पूरा व्हाइट लग रहा है। जैसे जैसे देखे हमें, मतलब जो 15 सीरीज आया, 14 सीरीज आया, ऐसा है ना कि भाई 12 से कलर के शेड ना लाइट लाइट होते आए, और अब इतना लाइट हो गया कि दो कलर के बीच में डिफरेंस भी पता नहीं चल रहा है। ब्लू कलर मैंने देखा था, हमारा 15 लेने का प्लान था, ब्लू कलर तो भाई लेने लायक ही नहीं है, एकदम फुल वाइट माफिक लग रहा है वो भी। बाकी कैमरे का जो है, हम तुमको कैमरे का टेस्ट मतलब डिटेल में बाहर जब आउटडोर में फ़ोटो खींचेंगे तब दे देंगे। और रही बात इसकी फ़ोन की, तो फ़ोन में इस बार जो चिपसेट आया है, ये चिपसेट स्पेशली गेमिंग के लिए बना है, और ये फ़ोन पे अपन करेंगे गेमिंग फुल टू BGMI ऑन एक्सट्रीम पे, तो देखेंगे कि ये फ़ोन का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, जो इसको मतलब गेमिंग कैटेगरी में अपन ने पहली बार डाला है किसी फ़ोन को, ये इसको पूरा ही गेमिंग कैटेगरी में डाला, मतलब इस हद तक डाला है ना कि बहुत से गेम्स ना PC में आते थे, और वो अब एप्पल ने फ़ोन में लाने का ट्राई किया, तो देखेंगे कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। और तो फ़ोन का जो हमको प्राइस पड़ा है ना, फ़ोन भाई कत्ते ही महंगा पड़ा है, मतलब लॉन्च होते ही जिनको चूल मची रहती है आईफोन लेने की, उनको तो पड़ेगा ही महंगा। आपको अगर लेना रहेगा आईफोन, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 2-4 महीना रुक जाओ, यही सीरीज ले लेना, तुमको कम में मिलेगा। ये था हमारा व्लॉग हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स को लेके। सो कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स में बताओ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार,
पिछले वीडियो में मैंने इतना मेहनत किया और किसी का सपोर्ट नहीं आया। अब ऐसे वीडियो जिसमें मैंने महंगा खर्चा किया है ना, इस पे व्यूज दबा के आ जाएंगे, लिख के ले लेना। तो मिलते हैं तुम लोग को एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।